फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन के प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है। और फ्रेंड्स, ये है हिमालय हर्बल्स की एक फेस जेल जो कि आपको भी पता है कि अभी लॉन्च हुई थी और इसका मैंने एक वेरियंट मंगवाया था। तो फ्रेंड्स, ये है हिमालय हर्बल की फेस जेल। इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जो भी इसके वेरिएंट्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, लेकिन मैंने जो वेरिएंट मंगवाया है वो है फ्रेंड्स केसर जेल, और इसका पूरा नेम है हिमालय नेचुरल ग्लो केसर फेस जेल। इसकी क्वांटिटी आपको 100 ml मिल जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, इसकी जो MRP है वो है 85 rupees, लेकिन मुझे ये 10% ऑफ पे मिली थी और अभी भी फ्रेंड्स ये 10% ऑफ पे आपको इजिली मिल जाएगी। इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट इसके पीछे ही मेंशन मिलेगी, और आपको इसकी जो शेल्फ लाइफ दी गई है वो 3 इयर्स दी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो PO बॉक्स बना हुआ है वो 6 मंथ्स का बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं है, आपको इसी तरह से रिसीव होगी। और अंदर से फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर से इसके ऊपर इस तरह से एक कवर लगा हुआ था सिल्वर कलर का, जिसे मैंने रिमूव कर दिया है। और ये है इसकी पैकेजिंग। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये केसर जेल है, सो इसका जो कलर है वो बिल्कुल केसर के जैसा है। और जैसे ही आप रोज वेरिएंट बाय करते हैं तो उसका कलर आपको पिंक मिलेगा। तो आप जो भी वेरिएंट बाय करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसका कलर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी लाइट वेट है, और मैंने इसे यूज़ करके देखा है तभी मैं आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट वेट है और स्किन पे एब्जॉर्ब तो जल्दी हो जाती है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्किन के लिए मैं कहूँगी कि एक मॉइस्चराइजिंग का काम भी करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या फील हुआ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसे अप्लाई किया नहाने से पहले, तो उस टाइम तो फ्रेंड्स ये मेरी स्किन पे ओके था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फेस वॉश किया और मैंने अपने हैंड्स को भी वॉश किया, बिकॉज हैंड से ही मैंने इसे अप्लाई किया था और मसाज की थी, मैंने 10 मिनट इसकी मसाज की, तो फेस वॉश करने के बाद और हैंड वॉश करने के बाद फ्रेंड्स मुझे मेरी स्किन बिल्कुल भी कह लीजिए कि मॉइस्चराइज नहीं लगी, और मेरी जो स्किन थी वो ड्राई सी हो गई और मेरे हैंड्स भी काफ़ी ड्राई हो गए। और मैं फ्रेंड्स ये कहूँगी कि मुझे ये जो जेल है इसकी जो कंसिस्टेंसी है जेल की तरह है, स्किन मॉइस्चराइजिंग का काम कर रही है फॉर ऑयली स्किन पीपल। लेकिन जैसे कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और ड्राई स्किन वालों को, तो मैं इसे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ ना करें, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे अप्लाई किया और मेरा फेस वॉश करने के बाद, इवन कि मैंने कोई फेस वॉश भी अप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट इसे नहाने से पहले 10 मिनट मसाज की थी और फिर मैंने फेस वॉश कर लिया था सिंपल पानी के साथ, तो मेरा फेस ड्राई हो गया और मेरे हैंड्स भी ड्राई हो गए। सो फ्रेंड्स, मैं कहूंगी कि ये जो फेस जेल है ये आप एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह, मॉइस्चराइजर की तरह यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इसके साथ अपनी स्किन की मसाज करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन एज मॉइस्चराइजर फ्रेंड्स मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। चाहे ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ रही, चाहे ये रीजनेबल रेट्स पे आपको मिल रही है, फिर भी फ्रेंड्स ये आप डेली बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो ये स्टिकी भी है। यस फ्रेंड्स, ये जो जेल है ये स्टिकी है, ये नॉन स्टिकी नहीं लगी मुझे। अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये नॉन स्टिकी है, हल्की हल्की सी ये स्टिकी रहती ही रहती है। चाहे कि थोड़ी देर बाद में मैंने इसे ट्राई किया कि चाहे ये नॉन स्टिकी हो जाए, बट फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नॉन स्टिकी नहीं हुई। ये फेस जेल जो है स्टिकी भी है, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती। आप इस जेल को एक मसाज जेल की तरह यूज कर सकते हैं, अपने फेशियल रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और जब आप फेस पे इसे अप्लाई कर लेते हैं तो हल्का सा हाथ में पानी लेके इसके साथ अपनी स्किन की मसाज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स मैं इसे आपको सुजेस्ट नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो आज का रिव्यू है ये इस जेल के ऊपर एक्सपीरियंस्ड है, बिकॉज मैंने इसे ट्राई करके फिर इसका जो रिव्यू है आपके साथ शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस जेल को बाय करना चाहते हैं तो मैं पहले ही कह दूं कि आप इस जेल को मसाज जेल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी स्किन को स्टिकी बनाएगी और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी नहीं करेगी, स्किन को ड्राई करने का काम करेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यूजफुल
पसंद लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड यस फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।